सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एक्सिस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन कैसे ओपन कर सकते हैं। उस वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, जैसे मैंने अकाउंट ओपन करा 10 से 12 रोज के बाद मेरे एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड बाई पोस्ट आ गया है। 10 से 15 दिन आने में लगा है इसको। आज मैं इसके अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इस पैकेट के अंदर में क्या क्या चीज़ आपको देखने के लिए मिलता है, चेकबुक, ATM कार्ड है, ये सब तो हमको पता नहीं। आज वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करने के दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या आपको चीज़ मिलता है, ये सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ। ये मेरा अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर चैनल कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के ऊपर से नोटिफिकेशन से पहले देखने के लिए। चलिए इसको यहाँ से मैं इस प्लास्टिक यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ से देखिए इस प्लास्टिक को, यहाँ पे इसका बॉक्स है। चलिए इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। इस प्लास्टिक में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से मैं ओपन कर दिया। चलिए इस कार्ड को यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ से साइड में रख देता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है, सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसमें आपको देखिए यहाँ पे मेरा एड्रेस दिया जाता है, जिस एड्रेस पे मेरा ये डेबिट कार्ड बाई पोस्ट आता है वो एड्रेस आपको यहाँ पे शो करा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको QR कोड आपको नीचे में यहाँ पे शो करता है, ये एक्सिस बैंक का यहाँ पे आपको लोगो मिल जाएगा। ये एक्सिस बैंक का मेरा डेबिट कार्ड है। चलिए इसको यहाँ से मैं यहाँ साइड से इसको ओपन कर लेता हूँ। ये प्लास्टिक यहाँ से मैं इसको फाड़ लेता हूँ यहाँ से। चलिए इसको मैंने फाड़ दिया। इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखिए इसके अंदर में क्या क्या आपको मिलता है। चलिए इसको मैं निकाल के यहाँ सेट रखता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ पे यहाँ सेट रख देता हूँ। इसको सेट लेने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक आपको एक्सिस बैंक की तरफ से एक पेपर मिलता है, इसमें क्या क्या आपको लिखा रहता है सब यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको दे रहे थे सब लिखा रहता है यहाँ पे। चलिए इसको मैं यहाँ सेट में रख देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए ये एक मेरे पास कार्ड आया हुआ है, ये देखिए इसमें भी लिखा रहता है एक्सिस बैंक के फीचर लिखे, इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे, सारे कुछ इसमें यहाँ पर लिखे रहते हैं। चलिए इसको भी यहाँ पर मैं सेट में रख देता हूँ। सेट रखने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा एड्रेस आपको लिखा होगा यहाँ पे। देखिए इस एड्रेस पे मेरा आया हुआ, यहाँ पे QR कोड आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। इस साइड में देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको नहीं दिखाई देगा, ओनली देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्सिस बैंक का देखिए डेबिट कार्ड आ गया। ये मेरा एक्सिस बैंक का यहाँ पर डेबिट कार्ड है। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, एक्सिस बैंक यहाँ पे लिखा हुआ। ये मेरा यहाँ पे जो नाम से आया वो नाम आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। देखिए चलिए इसको यहाँ से मैं कुछ हाइड कर दी। देखिए एक्सिस बैंक का ये मेरे पास चिप्स आपको इसमें मिल जाता है, ये वीज़ा कार्ड है यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा रहेगा, वो सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा। बैंकिंग क्या है, ये सारा बैंकिंग आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। अकाउंट नंबर आपको लिखा रहेगा, ये जितना कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। QR कोड स्कैन कर इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये तो मेरे पास सिर्फ है, चलिए इसको मैं यहाँ से उखाड़ लेता हूँ यहाँ से इसके। देखिए उखाड़ लिया तो देखिए यहाँ पर मेरा CCV नंबर आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके साइड में आएगा, देखिए ये इसका डेबिट कार्ड का लोगो कुछ अलग ही तरह का रहता है। देखिए कुछ हाई क्वालिटी का डेबिट कार्ड आपको इसमें मिलता है। ये मोबाइल का इसमें लोगो आपको लगा रहता है ये यहाँ पे। ये वीज़ा डेबिट कार्ड, यहाँ देखिए मेरा नाम आपको शो करता होगा। ये पूरा डेबिट कार्ड का पूरा नंबर हो गया यहाँ पर, आपको CCV यहाँ पर आपको नंबर मिल जाता है देखने के लिए। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ यहाँ पर। अब इसके देखते हैं इसमें क्या क्या सब लिखा हुआ। देखिए यहाँ पर इस पेपर दिया रहता है, यहाँ पे मैं एड्रेस, यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी, आपको सब कुछ कंपनी का जितना कुछ बायो डाटा यहाँ पे आपको लगा रहता है। यहाँ पे एक कंपनी का नंबर दिया रहता है यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया रहता है। ये मेरा KTM कार्ड कुछ नंबर से यहाँ पे हाइट, फर्स्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पर मिलता है। मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ ATM कार्ड मिला, मेरे पास तो यहाँ पर मेरे पास तो चेकबुक भी नहीं मिला। देखिए यहाँ पर पूरा ये पेपर इसी तरह, चेकबुक मेरे पास कुछ नहीं मिला, ओनली मेरे पास ATM कार्ड मिला हुआ है। इसमें मैं पासबुक लेने मैं बैंक गया था, वहाँ पे मुझे बताया यहाँ पे पासबुक अवेलेबल नहीं है, मैं कोई दूसरे दिन भी जा सकता हूँ, मेरे पास वहाँ पे पासबुक मिल जाएगा। वहाँ पूछा तो मैंने बैंक में जाकर, वहाँ कहता पासबुक अभी अवेलेबल नहीं है, मैं वहाँ पे रिटर्न घूम कर गया था, मेरे पास ATM वहाँ पर पासबुक नहीं दे पाया। इस तरह से अब देखिए मैंने यहाँ पर, यह मेरी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो है। इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कॉमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।